हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट ट्यूटोरियल में। लास्ट वीडियो हमारा जो हुआ था वो था एमएस वर्ड में पार्ट नंबर 10, जिसमें हमने देखा था डायग्राम और स्मार्ट आर्ट कैसे बनाते हैं वर्ड फाइल में। और आज का जो वीडियो है उसका हमारा पार्ट नंबर है 11, जिसमें हम सीखने वाले हैं चार्ट कैसे बनाते हैं वर्ड फाइल में। जैसे कि चार्ट मतलब क्या बोल सकते हैं, ग्राफ बोल सकते हैं, हमारा ईयरली टारगेट होता है या मंथली टारगेट होता है उसको एनालिसिस करने के लिए इसका बहुत ही यूज़ होता है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना ताकि आपको चार्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके फ्रेंड्स। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। चलिए तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने वर्ड फाइल ओपन किया हुआ है और आज हमें देखना है इंसर्ट में चार्ट। मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा और यहाँ पे चार्ट ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसके ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको, कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, अलग अलग चार्ट के ऑप्शंस है, एक्स वाई है, स्टॉक है, सरफेस, रडार और कॉम्बो, ये सब ऑप्शंस है। उसमें से हम क्या देखेंगे, कॉलम वाला जो चार्ट है उसको सिलेक्शन रखेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और उसी को हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अपना यहाँ पे चार्ट जो है वो आ चुका है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो चार्ट है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। जैसे कि हमारा एक्सेल शीट होता है सेम वैसा ही शीट है, और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे फीड करना है। अभी वो डेटा फीड करने के लिए मैं वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने डेटा फिल किया हुआ है, ये डेटा जो है वो टारगेट का है। मान लो ये मंथली टारगेट है, मैंने लिया हुआ है जुलाई मंथ का टारगेट है। यहाँ पे क्या दिया है, सिटी के नाम दिए हैं, टारगेट कितना है उनका और उनका अचीव कितना हुआ है और बैलेंस कितना बाकी है टारगेट, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है मैंने। अब ये डिटेल फिल करने के बाद हमें यहाँ से क्रॉस मार के उसको क्रॉस करेंगे तो अपना जो डेटा है चार्ट है वो यहाँ पे फिल हो चुका है। अभी हम इसके बाद जो डिटेल में ऑप्शन है वो जानने वाले हैं। जैसे हमने चार्ट लिया है, यहाँ पे हमें डिज़ाइन टैब ओपन हो चुका है और उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या लेना है, पहले तो डिज़ाइन लेना है अपना चार्ट के लिए। तो डिज़ाइन लेने के लिए हम इस एरो को आएंगे, उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद उसके अंदर अपने डिज़ाइन ऑप्शन है ढेर सारे। आपको कौन सा डिज़ाइन चाहिए आप सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि आपका जिस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट है उस प्रकार से आप इसको डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इसको एक सिलेक्ट कर लेंगे इस चार्ट को। ये सिलेक्शन करने के बाद अभी सेकेंड ऑप्शन देखने वाले एडिट डेटा। एडिट डेटा में क्या होता है उसको क्लिक करके देखते हैं। एडिट डेटा में आएंगे तो हमने जो डेटा फिल किया हुआ है, यहाँ पे देखिए अपना जो डेटा हमने फिल किया हुआ है वही डेटा यहाँ पे फिर से ओपन हो चुका है। मान लो अभी कुछ इसमें एडिशन हमें करना है तो कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको हम बड़ा कर लेंगे और इसमें डेटा फिल कर लेंगे, अपना एडिशन डेटा रहेगा कुछ। तो फिलहाल हमें कुछ डेटा ऐड नहीं करना है, इसके लिए हम क्लोज कर देंगे इस। देन उसके बाद क्या है, सिलेक्ट डेटा है उसको भी एक बार क्लिक करके देखेंगे। सिलेक्ट डेटा में क्या होता है, मान लो हमारा जो डेटा है उसमें से हमें कुछ कैंसिल करना है तो हमें टारगेट ऑप्शन, टारगेट वाला जो ऑप्शन है वो नहीं चाहिए या अचीव वाला कॉलम है वो नहीं चाहिए, हम यहाँ से इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ये भी हमें फ़िलहाल कैंसिल नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कैंसिल कर देंगे और इसको भी क्लोज। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच रो और कॉलम। उसका यूज़ कभी होगा, जैसे कि हम एडिट डेटा को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके एडिट डेटा को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा स्विच कॉलम जो है वो है ओपन होने वाला है इस तरीके से। देखिए अपना जो डेटा है मुंबई, ठाणे, पुणे और नासिक, ये डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हम स्विच रो कॉलम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे अपना जो सिटी है उसके बारे में दिया हुआ है, टारगेट अपना कितना है, अचीव कितना हुआ है और बैलेंस वो अपना डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपको स्विच करना है तो आप इजीली कर पाओगे इस तरीके से। ये अपना नॉर्मल पहले था वैसा है, मुंबई ठाणे सिटी वो दिखा रहा है, उसको हम स्विच करेंगे तो इस तरीके से उसका जो चार्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके में अपना जो सिटी है वो ऊपर की तरफ आएगा और टारगेट है वो नीचे की तरफ आएगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, फिलहाल हमें इसको नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको स्विच नॉर्मल जैसा था वैसे करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अभी नेक्स्ट इसमें क्या है, चेंज कलर का ऑप्शन है। मान लो इस बार का हमें कलर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, चेंज कलर में आना है और यहाँ से हमें कलर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से देखिए इस तरीके से अगर हमें कुछ कलर चेंज करना है इसमें तो इजीली कर पाएंगे इस तरीके से। इसको भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल कर लेंगे जैसा हमारा नॉर्मल था वैसे। इसके बाद क्विक लेआउट है, अगर मान लो हमें कुछ इसका लेआउट चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ तो जो लेआउट है वो चेंज होते जा रहा है इसमें।
यहाँ पे क्या है, इसमें टेबल आया हुआ है नीचे की तरफ, अलग अलग ऑप्शन है, आपको जिस प्रकार से चाहिए वो आप ले सकते हो। इसमें क्या आया हुआ है, मान लो इसको हमने देखा तो इसके फर्स्ट बार में उसका टारगेट दिखाई दे रहा है, फिर 850 था और उसका बैलेंस कितना है वो दिया हुआ है। अभी हम फिलहाल फर्स्ट वाला ही सिलेक्शन रखेंगे, ये हमने देखा है क्विक लेआउट। अभी इसके बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पे आके प्लस मार्क जो दिखाई दे रहा है तो चेंज एलिमेंट्स ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। फर्स्ट यहाँ पे एक्सिस है, एक्सिस को हमने क्लिक किया हुआ है, अगर इसका क्लिक निकालेंगे तो क्या हुआ, क्या आया है, यहाँ पे हमारा जो नंबर्स आए थे टारगेट और उसकी डिटेल वो हट चुकी है यहाँ से। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो डिटेल आ चुकी है, हमारा टारगेट कितना कितना था वो आ चुका है और हमारे सिटी के नेम यहाँ पे आ चुकी है। फिर यहाँ पे एक्सिस टाइटल है, अगर हमें कुछ टाइटल नेम देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। ये जो अपना डेटा वो है जुलाई मंथ का है, यहाँ पे आप जुलाई मंथ टारगेट ऐसा कुछ अपना टाइटल दे सकते हो। फिलहाल हमें टाइटल देना नहीं है तो इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर एक चार्ट टाइटल है, अगर हमें कुछ चार्ट को टाइटल देना है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, कौन से मंथ का है कौन से ईयर का है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। फिर डेटा लेबल है, अगर मान लो हमें कुछ इसका टारगेट अचीव और कितना हुआ है वो डिटेल देना है तो इसके ऊपर के साइड में ये हमारा टारगेट है, ये अचीव हुआ है और ये बैलेंस है, चारों सिटी का वैसा ही है। अगर यहाँ पे टिक मार्क हटाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे। फिर है डेटा लेबल, डेटा लेबल में क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो टेबल था वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, उसी के नीचे ग्राफ के नीचे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, एरर बार से, अगर आपको कुछ एरर आया रहेगा तो यहाँ पे आपको बार के इसमें दिखाई देगा। और नेक्स्ट है ग्रिड लाइन, अभी हमने ग्रिड लाइन का क्लिक था वो हमने निकाला तो देखिए ग्रिड लाइन इसका निकल चुका है, फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो अपना ग्रिड लाइन जो आ जाएगा। बाद में लीजेंड्स है, लीजेंड का यूज क्या होगा, यहाँ पे जो कलर वाइज है वो अगर चाहिए तो ले सकते हो, नहीं चाहिए तो हम हटा सकते हैं उसको। देखिए इस तरीके से हमें लीजेंड चाहिए तो हम रख सकते हैं उसको, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट है ट्रेंडिंग लाइन, अगर हमें ट्रेंडिंग लाइन चाहिए किसका चाहिए, टारगेट अचीव या बैलेंस का, उसको सिलेक्शन करना है, देन ओके। तो देखिए इस तरीके से इसको ट्रेंडिंग लाइन भी आ जाएगी, इसका हम क्लिक निकालेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चार स्टाइल, इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो सेम ऑप्शन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग अपना चार्ट का स्टाइल दिया हुआ है, आपको जो भी चाहिए आप उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो। नॉर्मल हमने जो था वही से लिया हुआ है। फिर यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर ऑप्शन कब यूज़ होगा, इसको हम क्लिक करेंगे तो मान लो हमें ये अपना फिल्टर ऑप्शन है यहाँ पे। अभी फिल्टर ऑप्शन में क्या होगा, देखिए सीरीज़ दिया हुआ अपना टारगेट अचीव और बैलेंस, अगर इसमें से हमें जो ऑप्शन नहीं चाहिए उसको हमें क्लिक निकालना है और उसके बाद अप्लाई करना है। तो अभी हमने क्या किया है, अचीव का जो बार था वो निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। अगर चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल जैसे था वैसे आ जाएगा, और उसको अप्लाई करना ज़रूरी है, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। फिर ये देखिए अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अचीव का बार जो था वो आ चुका है पहले जैसा ही। नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी जो सिटीज़ के नेम है, उसमें से मान लो मुझे मुंबई सिटी का जो सेल है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं मुंबई सिटी का जो टिक मार के उसको हटा दूंगा, देन अप्लाई करूंगा तो वहाँ से मुंबई सिटी का जो टारगेट था वो हट चुका है इस डेटा में से। अगर फिर से चाहिए तो उसको क्लिक करेंगे और नॉर्मल अप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पर जो साइड में तीनों ऑप्शन हमने देखे हुए हैं वही सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, एड चार्ट्स एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखे हुए ऑप्शन सेम यहाँ पे भी वही ऑप्शंस है। तो यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन टैब है वो क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट में क्या है, ऑलरेडी हमने देखे हुए जो अलग अलग हमारे पार्ट्स हुए वर्ड फाइल के, फिर भी एक बार मैं क्या दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हमें इस शेप का अगर कलर चेंज करना है ग्राफ का तो यहाँ पे हम शेप फिल में आके इसका जो फील है वो निकाल सकते हैं, वाइट लेना है तो वाइट में भी ले सकते हैं, अलग अलग कलर ऑप्शंस है, आपको जो कलर सूटेबल रहेगा आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप वो ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, वर्ड फाइल में चार्ट कैसे बनाते हैं, बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।